नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में फिल्म निर्माता जसप्रीत सिंह वालिया उर्फ बंटी वालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिससे आईडीबीआई बैंक को 119 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। अपनी शिकायत में बैंक ने आरोप लगाया कि जीएस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को जून में 2.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 4.95 करोड़ रुपए का टर्म लोन दिया गया था। ये लोन साल 2008 में संजय दत्त विपाशा बासु की हिंदी फिल्म लम्हा के निर्माण के वक्त दिया गया और इस फिल्म को साल 2009 में रिलीज किया गया था, लेकिन प्रमोटर्स और एग्जीबिटर्स के बीच विवाद के कारण इसकी रिलीज में देरी हो गई और खाता 30 सितंबर 2009 को एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन गया। बैंक ने जीएसईपी, पीवीआर और प्राइवेट बैंक के बीच तीन पक्षीय समझौते के निपटारे के लिए दुनिया भर में फिल्म रिलीज करने के लिए पीवीआर को डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया। साथ ही पीवीआर से ये कमिटमेंट लिया कि वो पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। यह समझौता 2 जून 2010 को हुआ था। हालांकि पीवीआर अपने कमिटमेंट पर खरा उतरने में नाकामयाब हुआ। बैंक का आरोप है कि उससे लगभग 83.89 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि कंपनी की कुल कमाई 7.41 करोड़ रुपए ही हो पाई, जबकि उसके द्वारा प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर 8.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बैंक ने आरोप लगाया कि एक फॉरेंसिक ऑडिट से पता चलता है कि कंपनी ने एक फर्जी उपयोग प्रमाण पत्र जमा किया था। बैंक के फ्रॉड को डाइवर्ट किया गया और अकाउंट बॉक्स में हेरफेर भी की गई, जिसे लेकर के अब प्रोड्यूसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि 119 करोड़ रुपए की हेरफेर का आरोप यहां बंटी वालिया पर लगाया गया है, जिसकी सीबीआई तलाश कर रही है, यानी कि बॉलीवुड के एक और प्रोड्यूसर पर यहां गिरफ्तारी की तलवार जल्द लटकने वाली है।